नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज। आईटी चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है एक नेक्स्ट नई वीडियो लेकर आया हूं, UPRVNL की जो है ये लास्ट पार्ट है। आप वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे कि आपको पता है 130 क्वेश्चन जो का पहले जो हमने पार्ट डाले थे, पार्ट वन, पार्ट थ्री, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, तो अभी ये 5 पार्ट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसमें जो है दोस्तों, मैं आज जो आपको 130 से जो है 200 यानी कि 200 क्वेश्चन की आज इसकी पूरी सीरीज इस वीडियो में कंप्लीट की जाएगी। तो आप दोस्तों वीडियो पूरी देखें शुरू से लास्ट तक, काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें जो है जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लास्ट में ले चलता हूँ सीधा। ये जो इस जो ये जो एग्ज़ाम पेपर था, इसमें जो है 150, तो दोस्तों 150 क्वेश्चन के करीब तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चन थे, आप ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जो है सेक्शन चलता है न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके बाद ये रीजनिंग आपको बताई जाएगी इसमें, जिसके 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन के बाद आज आपको जो है इसके बाद लास्ट में जो सेकेंड लास्ट जो है फिर ये है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको आज इस वीडियो में। आप देख सकते हैं सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। इसके बाद है जनरल हिंदी, क्योंकि इस एग्जाम पेपर में हिंदी भी आई थी, तो हिंदी किस तरह की आई थी मैं आपको सारी समझाऊंगा आज। तो आप दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपको जो है 131 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 130 क्वेश्चन जो है पहले कंप्लीट कर दिए गए थे। तो जैसे कि आपने देखा होगा 130 क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वुडरफ की वाला, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही वाला क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 130 क्वेश्चन 131 से। तो क्वेश्चन है 131, स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है, तो लेड का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं 132 क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का काला रंग होता है, आप इसे याद रखें, और जो मैरून होता है वो होता है एस्टिलीन सिलेंडर का। इसी में से दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग पूछे तो वो काला होगा, अगर एस्टिलीन सिलेंडर का रंग पूछे तो वो मैरून होगा, जैसे कि आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का काला। इसके बाद चलते हैं 133 क्वेश्चन पे। लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है, तो लेथ मशीन के टेलीस्टोक में जो है डेड सेंटर होता है। दोस्तों ये आंसर, ये जो आंसर टिक लग रहे हैं ये इनके आंसर हैं, और ये आंसर की के हिसाब से सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर हैं। कोई क्वेश्चन मुझे गलत लगा तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। इसके बाद चलते हैं 134 क्वेश्चन पे। आईसी इंजन के सिलेंडर की बोर को अच्छी तरह से परिक्रस्ट किया जाता है, तो होनिंग विधि के द्वारा। होनिंग प्रक्रिया आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो इस टॉपिक को उठाएं अपनी बुक्स, उसमें जो है इस क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ें, क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर ही बताऊंगा। इसके बाद चलते हैं 135 क्वेश्चन पे। 135 से फोर हेड वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाती है, तो दाएं से बाएं की जाती है, इसे याद रखें, दाएं से बाएं जो है फोर हेड वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 136, बीए थ्रेड में कोण होते हैं, बीए थ्रेड का जो कोण होता है 47.5 डिग्री, यानी कि 47.5 डिग्री जो है बीए थ्रेड का कोण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद 137 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बेयरिंग घर्षण एंटी फ्रिक्शन होते हैं, तो इसका आंसर है निडल बेयरिंग। निडल बेयरिंग आपने देखे होंगे, अगर जो भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो वीडियो में, तो आप अपने बुक्स उठाएं और टॉपिक को क्लियर करने से, और आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए 138 क्वेश्चन पर, न्यूट्रल न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एस्टिलीन का अनुपात मिलाया जाता है, दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर के हिसाब से 5:2 जो है 2 दे रखा है, यानी कि 5:2 दे रखा है, लेकिन वैसे इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से तो 1:1 होगा। जैसे कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन जो है अभी भी जो फिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था OFRC का, उसमें भी क्वेश्चन आया था, उन्होंने भी जो है शायद मुझे लगता है इसमें उसमें उन्होंने 2:3 इसमें आंसर दिया था। तो इसका जो आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों 1:1 होगा, बाकी आप इसे अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं और इसका राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो जितना मुझे पता है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 1:1 यानी कि 1:1 होगा, लेकिन इसकी आंसर के अनुसार UPRVNL के अनुसार उनके अनुसार जो है इसका आंसर है 5:2। ठीक है, 139 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिक के लिए सही नहीं है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसमें और चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, फोर्थ वाला जो है इसे भारी होना चाहिए, तो ये इसका जिक का जो है नहीं है, भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है 140, इस नट के ऊपरी सतह पर कॉलर होता है जिसमें प्रत्येक फलक के बीच में स्लॉट होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर जो है कैंसिल नट,
कैंसिलेट अगर आपने नहीं देखा है तो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैंसिलेट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 141 क्वेश्चन पे। एक उद्गर बर्तन यानी कि वर्टिकल कंटेनर की बॉडी से निचले सिरे को जोड़ने के लिए एकल स्विम। तो ये दोस्तों एक जो है जो जो भी बर्तन होते हैं आपने देखे हो उसके किनारे जो मोड़ दिए जाते हैं, आप ध्यान देना कभी किसी बर्तन में, जैसी कटोरी होती है, प्लेट होती है हमारी, तो उसको जो किनारे को मोड़ दिया जाता है तो वो एकल स्विम स्विम बोलते हैं उसे। तो याद रखें सिम, उसको हम सिम बोलते हैं। ये जो है आपको फोर्जिंग के चैप्टर में मिल जाएगा इसका टॉपिक, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डबल भी होती है, डबल सिम, सिंगल सिम, इस तरह के उसमें जो आपकी बुक्स में दिया गया है आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है 142 क्वेश्चन। ड्रिल बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील से। तो ड्रिल बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इसके बाद है 143 क्वेश्चन। वर्म गियर की स्पीड रेशो mg होती है, जहाँ ng गियर दांतों की संख्या, nw वर्म पर चूड़ी की संख्या। तो इसमें जो पूछा है इसका जो एक फॉर्मूला बना रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, वो फोर्थ ऑप्शन में mg बराबर ng डिवाइड बाई nw। तो ये गियर के चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद है 144 क्वेश्चन। एक्मे थ्रेड का चूड़ी कोण यानी कि एंगल ऑफ थ्रेड होता है, तो एक्मे थ्रेड का तो आपको याद होगा 29 डिग्री का होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे जो पहले पार्ट था उसमें मैंने आपको समझाया था। इसके बाद है 145 क्वेश्चन, 145। तो स्लिप 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 किसके साथ जुड़ी होती है, तो स्लिप जो है बोल्ट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, इसको याद रखें क्वेश्चन। इसके बाद है 146। किसी दिए गए संघ फिट 40H7F6 में 6 का अर्थ है, तो इसका आंसर है शाफ्ट की टॉलरेंस ग्रेड नंबर। किसका पूछा है, इस वाले 6 का, शाफ्ट की टॉलरेंस ग्रेड नंबर है इसका। तो इसके बाद है 147 क्वेश्चन। भंगुर ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए व्यवहारिक तौर पर ब्रेक बैक रैक कोण होगा, तो 0 डिग्री का होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद 148 क्वेश्चन। एक रिविट जोड़ में एक रिविट के केंद्र से दूसरे रिविट के केंद्र की दूरी जोड़ के समांतर हो कहलाती है, वो पिच कहलाती है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं। इसके बाद 149 क्वेश्चन, 149। बिना गोलेता वाले जॉब की अच्छी तरह पकड़े जा सकते हैं, तो इसका आंसर है फोर्जा चक्र। ठीक है, इसका आंसर है फोर्जा चक्र। तो जो फोर्जा चक्र है एक मजबूत जो है जबड़ा उसका होते हैं, तो उसमें जो है हम गोल वाले जो जॉब होते हैं, गोल हो या कोई हमारा थोड़ा चौकोर टाइप में भी हो, उसको हम आसानी से जो है फोर चक में पकड़ सकते हैं। ठीक है, बिना गोले तक मतलब है जो गोल ना हो तो उसको हम फोर चक पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन। और सबसे जो मजबूत दोस्तों इसकी जो पकड़ होती है फोर चक की होती है, थ्री चक की इतनी नहीं होती, फोर चक की थ्री चक से ज़्यादा होती है। इसे भी आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन दोस्तों बनाए करें आप भी अपने आप, तो उसे जो अपनी नोट्स बुक में लिख ले करें दोस्तों। इस टाइप के जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं तो आप इन्हें अपनी बुक्स में अगर नोटबुक में लिखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे, दोबारा आपको वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी। तो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जब भी मैं कभी वीडियो डालूं और आप नोटबुक्स में लिखें और वीडियो को देखते देखते जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे अपनी नोटबुक्स में लिखें, तो इसी तरह से दोस्तों नोट्स बनते हैं, ऐसे ही जो नोट्स हम अपने इकट्ठे कर सकते हैं। तो आप इन वीडियो का यूज़ करें करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो जो है जिसको बच्चों को स्टूडेंट को इन इस टाइप की वीडियो चाहिए, इस तरह के मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप उन तक ज़रूर पहुँचाया करें, क्योंकि ये काम मेरे से ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद है 150 क्वेश्चन। एक 30 मिलीमीटर व्यास का जॉब लेथ मशीन पर 350 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा हो, तो जॉब की कटिंग स्पीड बताओ। तो जॉब की कटिंग स्पीड बता दो, एक फॉर्मूला होता है सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, कटिंग स्पीड बराबर पाई गुणा डी गुणा एन बटे 1000, यदि mm हो तो 1000, यदि इंचिस पूछा हो तो नीचे लगेगा 12। ठीक है, याद रखें। तो इस वाले फॉर्मूले से आप जो है इसका आंसर जो आएगा 33 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, तो आप इसे निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। इस पार्ट जो UPRVNL का टेक्निकल जो इसका क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है सेक्शन, जैसे कि मैं अभी पहले भी दिखाया था आपको भी, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें जो है रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ये रीजनिंग तो मैं इस वीडियो में आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि जो है वीडियो में कैसे समझाऊँ, हालांकि मैं समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत, मैं किसी क्वेश्चन को समझा दूँगा आपको, लेकिन आप क्या करें वीडियो को जो रोक कर
आप इन क्वेश्चन को अपनी बुक्स में जो है हल करके देख लें साथ साथ, क्योंकि हल करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको भविष्य में किसी एग्जाम में आता है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं थोड़ा से नीचे करता हूँ। तो इसके फर्स्ट इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करा है, अक्ष द्वारा चिन्हित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को चित्र के दाएं तरफ रखा हो। दर्पण की बात चल रही है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी कि तीसरा इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसको आप करके देखें और समझ में ज़रूर आएगा जब आप अपने आप करेंगे। तो इसके फोर्थ चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो है इसका क्वेश्चन, तो इसमें जो है सही विकल्प चुनना है, तो जिसमें वह संबंध व्यक्त होता है जैसे निम्नांकित शब्द युग्म में है। तो जैसे कह रहा है कि तारा, आकाश, गंगा। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड बताना है कि कौन सा जो है इस टाइप से लिखा गया है, जैसे कि गांव, नगर। ठीक है, मनुष्य, जनसंख्या, नदी, समुद्र। तो फूल, गुलदस्ता। तो फूल का जो है गुलदस्ता से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन इस तरह का होगा, थोड़ा सा इसमें जो है एक फॉर्मूला लगेगा छोटा सा, बाकी आप ट्रिक से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखें और करके देखें। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा बीच बीच में। तो इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें जो है 6 के बाद सम संख्या, लेकिन पहले एक विषम संख्या नहीं आती। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ें, और जब पढ़ेंगे आप तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऐसी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित अक्षर में श्रेणी में क्रम अनुसार लिखा गया है, तो खाली स्थानों में अक्षरों के समूह होंगे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हल करके मैं आपको बताऊंगा कि भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 क्वेश्चन को आप पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर मैं आपको बताया था डायरेक्ट ही, ये जो है 1.3 इसका आंसर आ रहा है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, तो ये लिखा है इसका आंसर। आप इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी इस तरह से करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 3 और 10 आएगा। तो ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें जो है संख्या पूछी थी, कितनी संख्या है। तो इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें और करें। आपके पास रीजनिंग की बुक है तो उसमें भी दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप से मैं इस वीडियो में समझा नहीं सकता, लेकिन मैं आगे कभी ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, सर मेरा हमारा एग्ज़ाम है, आप जल्दी से जल्दी वीडियो डालें। तो मैंने सारी इसकी वीडियो में इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैं आपको वीडियो में नहीं समझा सकता, वो मैं आपको कभी स्क्रीन पर ही समझाऊंगा दूसरी तरीके से। तो 9वां क्वेश्चन भी इस टाइप से ही है। तो ये खालिस्तान जो है आप देख रहे हैं सामने, उनको भरना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर समझा दूंगा अलग से। ठीक है, तो इसके बाद 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में श्रेणी है, इसके जो है आगे का जो है क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसके जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो तीसरे ऑप्शन में जो है ये आएगा इसका आंसर 445। और दोस्तों ये जो आपने ऊपर देखा था, मैंने शायद यहाँ पर गलत बोल दिया था, ये जो 3.1 बोला था, इसका जो आंसर 3 है। ये 1, 2, 3 ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर 3 था। ठीक है, और इसका आंसर जो 10 है केवल, कि ये ऑप्शन है, शायद मैं ऊपर कुछ गलत बोल गया था। तो इसके बाद कभी कभी दोस्तों हो जाता मेरे साथ ऐसा। तो ये थर्ड ऑप्शन में जो है इसे 445 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो निम्नांकित जो है में से कौन सा चित्र अन्य चित्रों से विभिन्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, देखें आप क्वेश्चन को। इसमें एक सर्कल बनना है, इसमें एक सर्कल बनना है, इसमें भी एक सर्कल बनना है। ठीक है, एक जो अब इसमें देखें 2 सर्कल बनने हैं, हाफ सर्कल पूरा नहीं है, कटे हुए सर्किल है। तो आप देखिए इसमें 2 बन रहा है। ठीक है, और जबकि जो है इसमें लाइन देखो, अब लाइन नहीं देखें वाली, सबसे अलग बताना। ठीक है, तो सबसे भिन्न बताना है। 2 लाइन यहाँ खींच रही है, 2 लाइन यहाँ है, 2 लाइन यहाँ है, लेकिन इसमें कितनी है, 1 लाइन है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल होते हैं रीजनिंग के, अगर आप माइंड लगाएंगे अपना, है ना, तो आप जरूर कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है सबसे भिन्न है। ठीक है, आंसर इसका यही हुआ। इसके बाद जो है अगला जो है क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का है, ये भी आप करें, क्वेश्चन को पढ़ें पूरा, और जो इसके आगे वाली चित्र बताना था कौन सा आएगा, इसका थर्ड जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप जो कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी आप वीडियो को रोकें और उसको जो है क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, आप आसानी से कर सकते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। तो निम्नांकित में से अन्य सबसे भिन्न कौन सा है। तो
मध्यांतर इसका जो है भिन्न है। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन को इसका आंसर आ जाएगा 8, इसका आंसर आएगा, ठीक है, पहला ही इसका आंसर है। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कितने ग्रामीण रोजगार प्राप्त है किंतु शिक्षित नहीं है, ये पूछा है इसमें, करके देखें दोस्तों। ज़्यादा मैं इस तरह से समझा नहीं सकता आपको मैं, क्योंकि एक वीडियो कंटिन्यू बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है मेरा, और मेरी वॉइस भी थोड़ी कम हो जाती है स्पीड बोल बोल कर। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके लिए ऐसा करता रहूँगा, आगे भी इस टाइप की वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो 15 क्वेश्चन जो है इस टाइप का है, रीजनिंग में दिया गया है। तो इसमें बताना है शिक्षित चचेरा भाई और बहन का संबंध बताना है, तो ये इसका 4th इसका आंसर है। तो आप इसे निकालें, करें, रीजनिंग किताब में देख सकते हैं आप अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा मैं किसी आने वाले टाइम में। और इसके बाद 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में श्रेणी में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ बताना है क्या आएगा, आप इसे अपने आप कर सकते हैं। इसका 372 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन में जो है 18 जो है चतुर्भुज बन रहे हैं, आप इसको गिने खुद ही, जैसे मैं गिनने को बताता हूँ। जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज की जो है इस तरह से बनाया गया है, आप सामने देख सकते हैं ये जो 6 तो बने रहे हैं, इसके बाद आप इस तरह से भी गिने 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह से गिन के देखें। तो टोटल जब आप गिनेंगे तो 18 हो जाएंगे, एक ऐसे भी गिने, इस तरह से गिने, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन का जो है आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 1/8 आएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन में जो है आंसर आएगा सोना झपकी, ठीक है, सोना झपकी। ये क्वेश्चन को आप पढ़ लें अपना आप, जो कि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन चलते हैं सेक्शन पर, अगला सेक्शन। तो अब ये जो नेक्स्ट जो चला है सेक्शन जनरल नॉलेज का चला है, आप ये सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर हूँ, आप जो वीडियो पूछ करके रोक लें, रोक के जो देख लें, ठीक है। तो 4th है इसका लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके बाद है 2 का आंसर जो है जिगर का फूलन, जिगर का फूलना, ठीक है। इसके बाद है 3rd का आंसर जो है लाला लाजपत राय आएगा। तो इसमें जो है चलो मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन को पढ़ के आपको। मुझ पे किए गए लाठी के वार ब्रिटिश साम्राज्य का साम्राज्यवाद के लिए सबूत की कीलों की तरह साबित होंगे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने कहा था ये। इसके बाद है 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य को शुरुआत की, आंध्र प्रदेश ने की। विश्व का साक्षरता दिवस इनमें से किस तारीख को बनाया था, 8 सितंबर को बनाया जाता है। इसने कोलकाता के निर्मल हृदय की शुरुआत की, मदर टेरेसा ने, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल नॉलेज में, बाकी ये जरूर नहीं है यही आए अगली बार भी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में, तो इनसे रिलेटेड कुछ आता सकता है। बाकी आप अपना एग्ज़ाम की जो सिलेबस देखें उस हिसाब से आते हैं। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका दिल्ली आंसर है। 8वां क्वेश्चन का अनुच्छेद 1370 है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता, तो अनुच्छेद 370, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखें, इसका आंसर बोल देता हूँ, मानव विकास के लिए विज्ञान को प्रतियोगित करना। इसके बाद है 10वें का पुलितजर पुस्तक में से किसके संबंध है, पत्रकारिता। इसके बाद है 11वां ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सुन्य। इसके बाद है 12वां, इनमें से क्या रेक्टर पैमाना है, भूकंप मापने का है, रियंद बांध उत्तर प्रदेश में है, MP के बॉर्डर पर है दोस्तों ये। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, फिर दोबारा आता गया क्योंकि इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चन है, हाल ही में ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे पढ़ें। ऑपरेशन मैत्री के बारे में पूछा, नेपाल में किया गया था ये। इसके बाद है 15वां, भारत की नीलामी निम्न में से किसका राज्य हिस्सा है, नील नगरी, सॉरी दोस्तों नील नगरी लिखा है, कि निम्न में से किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाटी का है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम ये है, तो गोदावरी है। क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़ें खुद, क्योंकि दोस्तों मैं भी थक जाता हूँ बोल बोल के। 17वें क्वेश्चन को पढ़ें, इसका जो आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आंसर के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन GK जो है मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप इसको सर्च करके देख लें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं भी सर्च करके देख लूँगा। बाकी कोई क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखे हैं वैसे सारे, आंसर तो इनके यही हैं लगभग। तो सुब्रतो जो है ये लिखा है इसमें, कप जो पूछा है फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, इसका जो है आंसर देख सकते हैं, 3rd इसका आंसर है, आप इसे पढ़ें अपना आप। 20 क्वेश्चन, माइकल क्रॉक ने जो है ये काम जो किया था। 1 क्वेश्चन है इसका वनडे, ठीक है दोस्तों मैं थक चुका हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। इसके बाद सेक्शन जनरल हिंदी है। तो दोस्तों इसमें जो है हिंदी के पार्ट भी आए थे, कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी थे, 10 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो टोटल जो है 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 का इसका आंसर जो है अव आएगा,
इसके बाद दूसरा हिंदी देख लें दोस्तों, इस तरह की आई थी। आप अपने सिलेबस में चेक करें इस बार क्या आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। बाकी तो मैंने पूरी इसकी जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं दोस्तों को दोस्तों, ठीक है। तो लिखाई इसका आंसर है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, लिखाई है। तीसरा, कौन सा वाक्य अर्थ दृष्टि संगत है, तो यह पुस्तक छोटी है दोस्तों। चलिए इसके बाद बताता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, एक जो है एक पैराग्राफ लिखा आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको इसको पहले को जो है आप ध्यान से पढ़ें, है ना, पहरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो है आपके सामने इस तरह का लिखा आएगा कोई पहरा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इन सम्मेलन में से स्वामी दयानंद क्या कहना चाहते थे, जैसे कि किस में लिखा है इसका आंसर, सब धर्मों का सम्मान समान सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो है ये क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी में। पांचवा भी क्वेश्चन यही है, सटा हुआ क्वेश्चन भी इस टाइप का ये हिंदी का, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपने आप भी। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आठवां, और ये नौवां, और ये दसवां, ठीक है। तो ये अब हमारे अब तक की वीडियो में जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर जो जो ये UPRVNL का जो एग्ज़ाम था कंप्लीट, इसके सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, आप इन्हें पढ़ें, आज भी पढ़ें, जब भी आपका मन करें आप इन वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी जो आज वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए दोस्तों मैंने पूरा चैप्टर जो है पूरी वीडियो जो है नहीं डाली थी एक साथ, मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप बनाई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। और आप अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके जो है जो भी आपका एग्ज़ाम है, लेकिन इस टाइप से आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, स्टूडेंट तक जिन्हें भी इस तरह का मटेरियल चाहिए, आप उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, और सब्सक्राइब किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये चैनल आपका भी है इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट कोई टॉपिक लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो जब तक दोस्तों अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तैयारी करें, जो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। कोशिश हमेशा करते रहें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो तैयारी में लगे रहें, अच्छी सी मेहनत करें, अच्छे से स्टडी करें, जितना मैं हो सकेगा मैं आपको उतना मटेरियल दूंगा इस तरह से, और आप लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, कोई भी दिन को आप वेस्ट ना जाने दें, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो भी आपका टाइम टेबल पढ़ने का उस टाइम टेबल पर ज़रूर पढ़ें, सारा काम एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखें दोस्तों, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।